नमस्कार, देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। दिल्ली की भलसवा डेयरी में एक खाली पड़े प्लॉट से शव की बरामदगी हुई है। चश्मदीदों के मुताबिक शव 3 से ज्यादा टुकड़ों में था। इससे पहले भलसवा डेयरी इलाके के एक मकान से 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए थे। पुलिस के मुताबिक घर में टारगेट किलिंग के तहत एक शख्स की हत्या की गई और उसका वीडियो पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स को भेजा गया। भलसवा डेयरी में हुई ये दोनों कार्रवाई उन दो संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ के बाद की गई है, जिन्हें जहांगीरपुरी इलाके से गिरफ्तार करने के बाद उन पर UAPA की धारा लगाई गई थी। शुक्रवार शाम दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दो संदिग्ध आतंकियों जगजीत सिंह और नौशाद को लेकर भलसवा डेयरी के इसी घर में पहुंची। दोनों ने बताया कि इसी घर में उन्होंने एक शख्स की हत्या की, हत्या का वीडियो बनाकर पाकिस्तान में अपने हैंडलर्स को भेजा, हत्या के बाद शव के टुकड़े किए और आसपास के इलाके में फेंक दिए। हत्या किसकी हुई इसकी अभी जाँच जारी है। पुलिस वाले आए और उसके पास से उन्हीं से उनसे चाबी लिया, बोला अंदर गए उन दोनों को ले गए, वो मुजरिमों को अंदर ले आकर के उन्होंने पूछा भाई तो ने कहा मारा था, तो उन्होंने कहा भाई ये कोने पे हमने इसका गला दबाया था, यहाँ मार करके उसके बाद से एक कोने पे जो है वो पन्नी बिछाई और उसके बाद से उसका गला रेता, एक ने वीडियो बनाई उसमें से कह रहा है एक मैं वीडियो बनाया, एक कह रहा है मैंने गला रेता, गला रेत करके फिर उन्होंने कहा भाई इसके लाश को कहाँ ले गए, कह रहे यहाँ से काट करके और ये टांग से काट करके उधर ले गया, 101 पे फेंक दिया और 20 का हिस्सा हमने उन नाले पे फेंक दिया। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर उन्हें यहाँ पर लाया गया था। उन्होंने ये कहा कि इसी मकान में उन्होंने एक शख्स की टारगेट किलिंग की है, उसकी हत्या की है, हत्या करने के बाद उसके शव के कई टुकड़े किए और उनको आसपास के इलाकों में कई जगह फेंका है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घर से 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दोनों आरोपियों को जहांगीरपुरी इलाके के इसी फ्लैट से 22 कारतूस और 2 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपियों से पूछताछ और जांच में पता चला कि जगजीत सिंह खालिस्तानी टाइगर फोर्स के आतंकी अर्शदीप डल्ला से जुड़ा हुआ है। अर्शदीप कनाडा में है और उसे हाल ही में गृह मंत्रालय ने आतंकी घोषित किया है। अर्शदीप 2017 में भारत से भाग गया था, जबकि नौशाद आतंकी संगठन हरकत उल अंसार से जुड़ा है। वो दोहरे हत्याकांड के मामले में कई साल जेल में रहा है। दोनों को टारगेट किलिंग का काम सौंपा गया था। सूत्रों के मुताबिक नौशाद ने भलसवा डेयरी इलाके में दीपावली के आसपास ये मकान किराए पर लिया था, फिर दोनों ने मिलकर एक शख्स को अगवा किया और इसी घर में बेरहमी से मार दिया। FSL रोहिणी के फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने घर की जांच की तो उन्हें इंसानी खून के धब्बे मिले। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर भलसवा डेयरी इलाके के एक खाली प्लॉट से एक शव बरामद किया है। ये शव 3 टुकड़ों में मिला है। पुलिस पता लगा रही है कि जिस शख्स की हत्या हुई है आखिर वो कौन था, क्या आरोपियों ने इसके अलावा भी कोई टारगेट किलिंग की है और खालिस्तानी आतंकियों और ISI का क्या गठजोड़ है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। और सीधा मुकेश सिंह सेंगर का रुख करते हैं। मुकेश, अब एक शव भी बरामद कर लिया है स्पेशल सेल ने और ये मामला लगातार और बढ़ता नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल कुछ देर पहले जो भलसवा डेयरी का इलाका है जहां पर आरोपियों ने घर किराए से लिया था, उसके पास में एक खाली प्लॉट था और खाली प्लॉट के अंदर से एक डेड बॉडी मिली है। ये डेड बॉडी अलग अलग 3 टुकड़ों में बटी हुई थी जिसको पुलिस ने इकट्ठा किया और फिलहाल उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी नौशाद की निशानदेही पर यह शव बरामद किया गया है और उसने ये कहा है कि कुछ दिन पहले ही उसने इस शख्स की हत्या की है और हत्या करने के बाद उसके 3-4 टुकड़े किए और फिर इस खाली प्लॉट में फेंक दिए थे। इस हत्या का वीडियो बनाया गया और पुलिस के मुताबिक ये वीडियो पाकिस्तान में नौशाद और जगजीत ने जो उनके हैंडलर्स हैं उनको भेजा है। तो अभी पुलिस पता लगा रही है कि आखिर ये वीडियो किसको भेजा है, लेकिन जांच में ये साफ हुआ कि जगजीत सिंह जो कि एक जो पंजाब का रहने वाला है,
जगजीत सिंह लगातार जो खालिस्तानी टेररिस्ट है अर्शदीप डल्ला उसके संपर्क में था और लगातार उसके इशारे पर काम कर रहा था। जो अर्शदीप है उसने इन लोगों को टारगेट किलिंग का काम सौंपा था और ऐसा लगता है कि जो पहला मामला है एक शख्स को अगवा किया गया और उसके बाद टारगेट किलिंग के तहत उसकी हत्या कर दी गई है। तो पुलिस अभी ये पता लगा रही है कि आखिर क्या इन लोगों ने एक शख्स को मारा था या ये और भी लोगों की हत्या कर चुके हैं और इस तरह फेंक चुके हैं। जो घर है घर के अंदर से दो हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं जो कि पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। दोनों आरोपियों को दो दिन पहले जहांगीरपुरी इलाके से गिरफ्तार किया था और उस घर से दो पिस्टल और 22 कारतूस मिले थे। ये घर जो है वो जगजीत का था जहां से इनको पकड़ा गया था। तो लगातार इस मामले में नई नई बातें सामने आ रही हैं। अब पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इन लोगों ने और भी लोगों को टारगेट किलिंग के तहत मारा है और ये लोग कब से दिल्ली में थे, किस किस के संपर्क में थे, ये सारी जानकारियां भी ली जा रही हैं। और साथ में जो ISI और खालिस्तानी आतंकियों का गठजोड़ है उसके बारे में भी पुलिस जांच कर रही है। जी मुकेश, जिस शख्स की वहां पर डेड बॉडी मिली है, जो शव मिला है अलग अलग टुकड़ों में, पुलिस उसकी पहचान के कितने करीब है? देखिए अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर इन्होंने किसको मारा है। और जो FSL के एक्सपर्ट हैं उन्होंने वो घर गए थे, वहाँ पर कुछ ब्लड के स्पॉट मिले जो कि जांच में इंसानी ब्लड के स्पॉट पाया गया है। और इस मामले में जो डेड बॉडी मिली है उसको भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो पुलिस कोशिश कर रही है कि जो शख्स जिसकी हत्या हुई है उसकी जल्दी से पहचान कर ली जाए ताकि ये पता चले कि इन लोगों ने उस शख्स को कहाँ से अगवा किया था, वो कहाँ का रहने वाला है। लेकिन अब तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस फिलहाल लगातार जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ कर रही है कि कहां से इसको अगवा किया गया था और कैसे फिर इसको घर पर लेकर आए। तो ये सारी जांच अभी बाकी है, हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में जो शख्स जिसकी हत्या हुई है उसकी पहचान हो जाए। जी बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक शव भी मिला है और तीन टुकड़ों में मिला है भलसवा डेयरी के इलाके से और पुलिस जो है लगातार जांच में जुटी हुई है ताकि इस मामले की हर परत से वाकिफ हो सके और कार्रवाई आगे कर सके। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है कि आज फिर CBI मेरे दफ्तर पहुंची है, उनका स्वागत है। इन्होंने मेरे घर में रेड कराई, दफ्तर में छापा मारा, लॉकर तलाशे, मेरे गांव तक में छानबीन करा ली। मेरे खिलाफ ना कुछ मिला और ना मिलेगा क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, ईमानदारी से दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है। तो ये उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन CBI सूत्रों का साफ कहना है कि मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर कोई रेड नहीं हुई है, सिर्फ दस्तावेज लेने के सिलसिले में टीम वहां पर गई थी और वो वहां से निकल भी चुकी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नागपुर कार्यालय के लैंडलाइन पर धमकी भरा फोन आया। 2 से 3 बार ये फोन किया गया जिसमें जान से मारने की धमकी दी गई और साथ ही कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी गई है। नितिन गडकरी के कार्यालय ने इसकी शिकायत नागपुर पुलिस से की है। नागपुर पुलिस इस मामले में आगे की जांच में जुट गई है। सुबह 11:25 और 11:32 और 12:32 को 3 कॉल आए थे, उसमें जो है वो डिटेल हम निकल रहा है, उसके CDR और अदर एनालिसिस हमारे क्राइम बेंच उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सुरक्षा में जो है उसमें बढ़ाई गई है और जो जहां कार्यक्रम है गडकरी साहब के वहां के जो जितना सिक्योरिटी पर्पज इम्पोर्टेंट दिया है वो सुरक्षा भी बढ़ोती है और उनकी केयर भी कर रहे हैं। हमारे सहयोगी सुनील सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, 3 फोन कॉल की बात कर रहे हैं यहाँ पर पुलिस अधिकारी और जांच और इसको कहाँ से कॉल आया है खोज निकालने की बात कर रहे हैं, क्या जानकारी फिलहाल मिल पा रही है आपको? कादम्बिनी, ये जो तीनों फोन आए थे वो उनके दफ्तर के लैंडलाइन पर आए थे और इसीलिए पुलिस ने जो BSNL की लाइन है उनसे पूरा CDR मंगाया है और उसका एनालिसिस किया जा रहा है। और पुलिस का कहना है कि साइबर पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश में है और उस नंबर से उस शख्स की पहचान करने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। इससे ज्यादा अभी तक पुलिस कुछ बता नहीं पा रही है
उनका कहना है कि एक बार पहचान हो जाए और गिरफ्तारी हो जाए उसके बाद हम पूरी जानकारी आपको देंगे। तो इसलिए अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि फोन कहां से आया था और उसका वाकई में ये धमकी है या फिर किसी तरह की कोई एक तरह से शरारत है। पुलिस का कहना है कि सब जांच के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन एहतियातन चूंकि इस तरह की धमकी आई हुई है तो दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, नितिन गडकरी के घर के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और साथ ही उनका भी जहां कार्यक्रम था वहां भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जी सुनील, कितना कठिन है लैंडलाइन से इस तरह से अगर फोन आए तो उसको ट्रेस करना? देखिए, अगर मोबाइल पर फोन आता है तो सीधे तुरंत ही नंबर पता चल जाता है, लेकिन लैंडलाइन पर आएगा और उसमें अगर आईडी कॉल नहीं लगी होगी तो स्वाभाविक रूप से जो बीएसएनएल है, जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, उससे सीडीआर मंगाकर फिर वो किया जाता है। और चूंकि ये गंभीर मामला है तो इसमें बहुत ज्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है, हो सकता है कि उनके पास नंबर आ भी गए हों और जानकारी मिल गई हो, लेकिन फिलहाल पुलिस अभी तक अधिकृत तौर पर यही बता रही है कि सीडीआर मंगाया गया है, उसका एनालिसिस किया जा रहा है और उसमें जैसे ही आगे की जांच बढ़ेगी कुछ सफलता मिलेगी तुरंत बताया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। गंजावाला केस में फॉरेंसिक लेबोरेटरी ने दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके मुताबिक हादसे के वक्त कार में सवार चार आरोपी नशे में थे। एफएसएल रिपोर्ट के मुताबिक चारों ने शराब पी हुई थी। इसके अलावा इस केस में पुलिस वालों पर एक बड़ी कार्रवाई भी हुई है। लापरवाही बरतने के आरोप में 11 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड पुलिस वालों में से 6 पीसीआर में तैनात थे, 5 पिकेट पर तैनात थे। गृह मंत्रालय ने असल में दिल्ली पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए थे। इसके अलावा सभी आरोपियों पर हत्या का केस यानी धारा 302 लगाने का आदेश भी दिया गया है। जोशी मठ में जहां एक तरफ खतरनाक घोषित मकानों से लोगों को हटाया गया है, वहीं इंजीनियरों की टीम अब भी दूसरे मकानों का निरीक्षण कर रही है। पीडब्ल्यूडी के 40 इंजीनियरों की टीम इस काम में लगी है। जो घर रहने लायक नहीं बचे हैं उन पर अनयूजेबल लिखा जा रहा है, यानी जिनका इस्तेमाल रहने के लिए नहीं किया जा सकता। ये टीम घूम घूम कर घरों का निरीक्षण कर रही है। वहीं खतरनाक घोषित 2 होटलों को तोड़ने का काम भी जारी है। इन होटलों को हथौड़े के जरिए तोड़ा जा रहा है। हमने अपनी 40 इंजीनियर की टीम है जो कि पीडब्ल्यूडी गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की है, उनके द्वारा एक स्पेसिफिक नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक फॉर्म डिज़ाइन किया है। उससे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डेटा लेते हैं और उसमें उस फॉर्म में बिल्डिंग की पूरी और किस तरह से उसकी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग टाइपोलॉजी है, कौन सी मटेरियल यूज किया है, कोड के जो हमारे जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से बनाया नहीं है, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस क्या है, ये एक डेमिक गेज लाए हैं तो ये डेमिक गेज उसमें लगाते हैं और उसको हम सेट कर देते हैं बिल्डिंग पे चिपका कर, मतलब जहाँ पे क्रैक है उसके अक्रॉस द क्रैक पे चिपका कर, और फिर उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि किस अगर क्रैक बढ़ती है तो किस रेट से वो बढ़ रही है और उसके ऊपर से हम असेस करते हैं कि पूरे पैरामीटर्स के ऊपर से असेस करते हैं कि ये बिल्डिंग सेफ है, अनसेफ है, यूजेबल है। तमिलनाडु के पुदुकोटई जिले के एक गांव में अनुसूचित जाति समुदाय की पानी की टंकी में मल मिलाने के मामले की जांच राज्य के क्राइम ब्रांच सीआईडी को सौंप दिया गया है। पिछले हफ्ते ये मामला उजागर हुआ था जो विधानसभा में भी उठा था। इस मामले की मुख्यमंत्री एमके स्टालिन समेत सभी विपक्षी दलों ने निंदा करते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की थी। आज मकर संक्रांति है, कई जगहों पर ये कल भी मनाया जाएगा। 14-15 दो दिन ये मनाया जा रहा है। असम में इस दौरान बिहू की धूम रहती है। रत्नदीप चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। असम बिहू के रंग में रंग चुका है। हम इस वक्त गुवाहाटी के एक बिहू मेले में हैं और इस तरह के बिहू मेले गुवाहाटी में बहुत सारे हो रहे हैं और पूरे राज्य में हो रहे हैं, जबकि अब असम में भुगाली बिहू का समय है।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग, ये जो दुकान है ये लगे हुए हैं मेला में, जहाँ पे की जो ट्रेडिशनल एसमीज जैगरीज है, स्वीट डिश है वगैरह, जो कर्ड है, दही है, जो कि बिहू का जो पारंपरिक व्यंजन है, इसको ये लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो लोग हैं वो ये खरीद रहे हैं, क्योंकि लोग जो अपने गांव में जा पा रहे हैं वो गांव में जाके अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिहू मना रहे हैं, मगर जो नहीं जा पा रहे हैं वो गुवाहाटी में ही यहाँ पे बिहू मना रहे हैं। और अब देख सकते हैं यहाँ पे पहले बिहू में जो ये तैयारी है ये उरुका के लिए है। उरुका रात में जब होता है तब जो परिवार के लोग और इसके साथ जो रिश्तेदार या फिर जो गांव के लोग हैं सब एक साथ खाना खाते हैं, और इसके लिए ही ये तैयारी है। और इसके बाद बिहू होता है, जहां पे की जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होती है, और उसी हार्वेस्ट फेस्टिवल के बीच लोग अपने खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। और जो भोगाली बिहू है, जो इसे माघ बिहू भी कहा जाता है असम में, और ये असम का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। और इस फेस्टिवल में आप देख सकते हैं कितना एक्साइटमेंट है लोगों के बीच, कितना कितना जोश है, और बहुत ही जोश और उमंग के साथ लोग असम में तैयारी में जुटे हुए हैं किस तरह से वो भोगाली बिहू का आनंद ले पाए, और भोगाली बिहू वो मनाने के लिए असम के लोग पूरी तरह से तैयार हैं। टोयोटा के लोस्कर मोटर्स ने टोयोटा मिराई को अभी इंडियन मार्केट में पायलट प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च किया है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलने वाली इस कार को फ्यूचर कार क्यों कहा जा रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रविशंजन शुक्ला। ये देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली कार है, जो कि टोयोटा मिराई गाड़ी है, और इसको नितिन गडकरी ने अभी कुछ दिन पहले ही चलाया था, और ये अभी कॉन्सेप्ट कार है, यानी 2025 के बाद में इस कार को लॉन्च किया जाएगा। इसको कहते हैं फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक, ये व्हीकल है जो हाइड्रोजन से चलती है, और इसमें हाइड्रोजन के 3 टैंक होते हैं, और ये वातावरण से ऑक्सीजन लेती है, और इसके बाद में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के टैंक में जाता है, और फिर एक रिएक्शन होता है और जिससे बिजली पैदा होती है, और फिर ये बिजली से ये कार चलती है। हालांकि अभी जो है वो जो सरकार ने ये कहा है कि जो कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है, उसी के तहत ये सारी जो टेक्नोलॉजी है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर ऑटो एक्सपो में डिस्प्ले की गई है। अभी हमने आपको फ्लेक्सी फ्यूल के बारे में बताया, वो भी जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करने की एक ईंधन है, और ईवी मॉडल है, और हालांकि ये भी ईवी गाड़ी आप बोल सकते हैं, लेकिन इसमें जो ईंधन प्रयोग होगा वो हाइड्रोजन के तौर पर प्रयोग होगा। अब ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बने, इसके लिए भी सरकार कोशिश कर रही है, और अभी फ़िलहाल जो है वो उस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन कोई बनाने का हमारे पास में पंप नहीं है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि आने वाले कुछ सालों में इस तरह की आपको तमाम सारी जो गाड़ियाँ हैं वो सड़कों पर चलती दिखाई देंगी। ये जो एक और ख़ास बात मैं आपको इस हाइड्रोजन कार के बारे में बताना चाहूँगा कि आम तौर पर जो है वो जो धुआँ है वो गाड़ी से निकलता है, लेकिन ये जो गाड़ी है ये चूँकि ऑक्सीजन लेगा वातावरण से, और फिर हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन होगा केमिकल, और फिर उससे जो बिजली जनरेट होगी उससे कार चलेगी, और पानी जो है इसका एक बायो प्रोडक्ट के तौर पर जो है वो पानी बाहर निकलेगा। तो ये एक बहुत ही यूनिक मॉडल है, और ये देश की पहली हाइड्रोजन कार है, तो इसी के चलते आप देख सकते हैं कि बहुत सारा जो उत्सुकता है वो लोगों के अंदर है। अभी तक नितिन गडकरी ने इसका प्रयोग किया है, अभी ये कॉन्सेप्ट कार है, तो अभी फ़िलहाल जो है वो इसको डिस्प्ले यहाँ पर किया गया है कि इस कार के ज़रिए टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करने की टोयोटा की कोशिश है। ऑटो एक्सपो से प्रेम सिंह के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में 12वें राष्ट्रीय फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इसमें देश भर के राज्यों से स्ट्रीट वेंडर्स अपने राज्य के खाने का जायका लेकर दिल्ली पहुंचे हैं।
प्रखर श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त हूँ नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में। ये इसका 12वां एडिशन है। वैसे तो हर साल यहाँ पे ये इवेंट होता था, लेकिन 2 साल से कोविड के चक्कर में ये रुक गया था। यहाँ पे तरह तरह के पकवान, तरह तरह के व्यंजन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे हर राज्य से अलग अलग टाइप का खाना आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। मैं अपनी सहयोगी मानसी जोशी के साथ यहाँ पे आया हूँ। कोशिश करूँगा कि मैं कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सब जगह का कम से कम चख लूँ। लेकिन क्या ऐसा अलग है और क्या ऐसा यहाँ पे यूनिक है जो आपने शायद नहीं देखा होगा, आइए देखते हैं। हमारी पहली स्टॉल है महाराष्ट्र के पुणे की। महाराष्ट्र में जैसा आप जानते हैं कि वड़ा पाव, मिसल पाव काफ़ी मशहूर हैं। आइए देखते हैं और इनसे भी जानते हैं कि ऐसा क्या है स्पेशल, ये क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, आइए जानते हैं। सर अपना नाम बताइए सबसे पहले। मैं पुणे से दीपक मोहिते, मैं पुणे में स्ट्रीट वेंडिंग करते हैं हम दोनों मियां बीबी। तो ये यहाँ पे क्या क्या है? ये वड़ा पाव है? ये वड़ा पाव है। अच्छा, ये दाल भाजी है। ये दाल भाजी चना और मूंग दाल मिक्स रहता है और उसमें इमली की चटनी और तीखी चटनी, चिली चटनी रहती है। ये मिसल पाव है। मिसल पाव में मूंग और मटकी का रस्सा रहता है, उसमें फरसान डाला जाता है, फिर कांदा नींबू और उसके साथ पाव खाने को रहता है। ये मिसल पाव, ये हेल्दी फूड है। सुबह सुबह महाराष्ट्र में सुबह खाया जाता है, सुबह से 4 बजे तक खाया जाता है। यहाँ पे घूमते घूमते हमें एक भोपाल की स्टॉल मिली जहाँ पे नमक वाली चाय मिलती है। ये नमक वाली चाय क्या है, आइए पता लगाते हैं। सर नमक वाली चाय क्या है, क्या अलग है इसमें? वाली चाय हमारी स्पेशल भोपाल की चाय होती है। नमक वाली चाय, नमक इसमें नमक मिलाया जाता है, पूरे गले के लिए बहुत अच्छी होती है, खासतौर सर्दी से भी लोग पीते हैं। और ये दूध की मलाई डाल के इसे बनाई जाती है जी। जरा निकाल के दिखा दीजिए एक कप हमें भी। ये चाय है, इसमें नमक डाला जाता है, ये चाय है और इसमें दूध और मलाई डाली जाती है। तो ये है भोपाल की मशहूर नमक वाली चाय। आइए इसको चखते हैं और देखते हैं कि क्या अलग है इस चाय में। चलिए, अयोध्या की जलेबी तो बहुत मशहूर है, लेकिन यहाँ पे एक अलग किस्म की जलेबी मिल रही है। यहाँ पे मिल रही है कुल्लड़ जलेबी। आइए देखते हैं कि क्या खास है इस कुल्लड़ जलेबी में। सबसे पहले जो है हम दही को कुल्हड़ में डालेंगे, जलेबी डालेंगे इसमें, फिर इसको जो है चम्मच से छोड़ेंगे। इसके बाद इसमें हम ऊपर से एक दही का लेयरी लगाएंगे। घूमते घूमते हम एक ऐसी स्टॉल पे आए हैं जो हैदराबाद की है और यहाँ पे कुछ अलग मिल रहा है। यहाँ पे मिल रहा है पत्थर का गोश्त। आइए देखते हैं कि ये कैसे बनता है और इसमें क्या खास है। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम संतोष है। सर जी, तो आप हैदराबाद से हो, तो ये क्या अलग है, ये पत्थर का गोश्त क्या है, कैसे बनता है, थोड़ा बताइए इस बारे में। ये पत्थर का गोश्त है, हैदराबाद से पत्थर लेके आते हैं। ये गोश्त को काट के मसाले वसाले बना के लगाते हैं, स्टोन गरम करें, पत्थर गरम करें, ऊपर डालते हैं। तो ये मुगलई खाना है हैदराबाद का। अच्छा, वो ज़माने में निज़ाम थे ना, जब वो पत्थर पे खाने का बहुत शौक था उनको। जब से हैदराबाद में चल लेते आ रहा है, ये हम 8 साल से इधर आ रहे हैं, खाली इसके लिए आते हैं। तो ये पत्थर का गोश्त है और कह रहे हैं बहुत ही फेमस है हैदराबाद में, वहाँ के निज़ाम किसी ज़माने में खाया करते थे, उनके शौक भी अलग होते थे। तो ये था नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल। यहाँ हमने तरह तरह की चीज़ें खाई, तरह तरह के व्यंजन खाए, काफ़ी कुछ चखा एक दिन में। तो खैर यहाँ पे इतना सब कुछ है कि हम एक दिन में सब कुछ खाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर जगह का, हर राज्य का खाने का स्वाद ज़रूर अलग था। लेकिन एक चीज़ हमारे पूरे भारत में एक जैसी ही है, वो है खाना खिलाने का भाव। तो मैं आज बस यही ख़त्म करता हूँ। अपने सहयोगी मानसी जोशी और संजय कौशिक के साथ मैं प्रखर श्रीवास्तव, NDTV इंडिया। और नेशनल एसोसिएशन स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया ने इस फूड फेस्टिवल का आयोजन दिल्ली में किया है। नासवी के प्रेसिडेंट से बात की हमारे सहयोगी मानसी जोशी ने।
घर के बने हुए व्यंजन किसी को कितने ही क्यों ना पसंद हो, लेकिन जब तक हम लोग स्ट्रीट फूड का स्वाद नहीं लेते तब तक हमारा खाना पूरा नहीं हो पाता है। और ऐसे ही एक स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में हम लोग मौजूद हैं। ये 12वां राष्ट्रीय स्ट्रीट फूड फेस्टिवल जो कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में मनाया जा रहा है, और इसके जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम अरविंद सिंह है। मैं नैसवी, जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। कितने समय से सर इसका संचालन आप कर रहे हैं और कब से ये सब चल रहा है? देखिए, नासवी जो है ये बहुत ही पुराना संगठन है। हम लोगों ने फुटपाथ दुकानदारों के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पहले पॉलिसी बनवाया था 2004 में, फिर कानून बनवाया 2014 में, मगर हमें, चूंकि हमारा जो मेंबरशिप है उसका 30% फूड वेंडर्स हैं, तो उनका ये सजेशन था कि एक ऐसा फेस्टिवल करते हैं जिसमें हम अपनी बातों को सोसाइटी के पास, सरकार के पास और अच्छे बेहतर तरीके से रख सकते थे। इसीलिए ये फूड फेस्टिवल का आइडिया आया और एक छोटे सा रूप में स्टार्ट हुआ, और आज चूंकि 3 साल तक कोविड के कारण हम लोग कर नहीं पाए, तो ये हमारा 12वां नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल है, और दुनिया में कहीं भी इस ढंग का अनोखा स्ट्रीट फूड फेस्टिवल नहीं होता है, और हम लोग तो मानते हैं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फूड कार्निवल है। तो ये 28 के 28 राज्यों से यहाँ पर लोग आते हैं। हाँ। और ये हमारे 11 लाख मेंबर्स हैं, और ये मेंबर्स के माध्यम से ही चुन के यहाँ पे भेजे जाते हैं, और जो आते हैं उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि 50% नए लोग आएं और 50% पुराने अनुभव वाले आएं, और जो यहाँ आते हैं उनको पूरा ट्रेनिंग मिलता है। फॉस्टेक का जो FSSAI का ट्रेनिंग है, उनको रजिस्ट्रेशन होता है और उनको ट्रेनिंग मिलता है कि कैसे वो कस्टमर्स के साथ अच्छे बर्ताव करें, अच्छे खाना का प्रेजेंटेशन करें। तो एक आखिरी सवाल सर आपसे कि इस बार जो ये 12वां एडिशन है, कोविड के 2 साल बाद आया है, इस बार खास क्या है और नया क्या है यहाँ पर? देखिए, इस बार नॉर्थ ईस्ट से हमारे बहुत पार्टिसिपेंट्स हैं, इस बात की हमें बहुत खुशी है। मणिपुर से हैं, शिलोंग से हैं, असम से हैं, तो बहुत जगह से, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों से हैं। अच्छा, कश्मीर से हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि इस साल हमने कश्मीर में बहुत काम किया, और जितने को भी आप देख रहे हैं उन सब शहरों में हम लोग फूड वेंडर्स का ट्रेनिंग किए हुए हैं। ये थे हमारे साथ जो नासवी हैं उसके नेशनल प्रेसिडेंट, और यहाँ पर जो है 12वां जो नेशनल फूड फेस्टिवल है उसका आयोजन किया जा रहा है। अगर आप भी खाने के शौकीन हैं और आप भी रखते हैं कि स्ट्रीट फूड का आप मज़ा लुत्फ उठाएं, तो आइए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। कल तक ये फेस्टिवल चलने वाला है, कल रविवार है, आइए और लुत्फ उठाइए भारत के अनेक राज्यों की गलियों के स्ट्रीट फूड का। दिल्ली से अपने सहयोगी प्रखर श्रीवास्तव और संजय कौशिक के साथ मैं मानसी जोशी, NDTV इंडिया। आज कमाल खान के निधन को 1 साल हो गए। वो NDTV के सबसे मजबूत स्तंभों में रहे, हिंदी पत्रकारिता की सबसे नफीस और भरोसेमंद आवाजों में एक। उनका जाना हिंदी पत्रकारिता में ऐसा शून्य पैदा कर गया जिसे अब तक भरा नहीं जा सका है। आज 1 साल बाद अपने अनन्य सहयोगी को हमारी श्रद्धांजलि। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सोका, बैरू न कर काहू सन कोई, राम राज विषमता खोई। लखनऊ सिर्फ वही नहीं है जो हमने चौधरी का चांद, उमराव जान, पाकीजा, पालकी, मेरे हुजूर और शतरंज के खिलाड़ी में देखा है। लखनऊ उससे कहीं आगे निकल गया है, उसकी खुशबू वही है, लेकिन लखनऊ लिबास बदल रहा है। जब कोई हादसा हो जाता है तो रिक्शे वाले राजू की मेडिकल प्रैक्टिस बंद हो जाती है, लेकिन मामला ठंडा होते ही फिर शुरू हो जाती है। माना जाता है कि ख्वाब मोटे तौर पे 8 तरह के होते हैं, डरावने ख्वाब, सुहाने ख्वाब, बार बार आने वाले ख्वाब वगैरह वगैरह, लेकिन ये 9वें तरह का ख्वाब है जो उधार का ख्वाब है। यूं तो पानी आग बुझाता है, लेकिन इस बार पहाड़ के पानी ने आग लगाई है। सब्जियों के दामों में आग, ये आग नजर तो नहीं आती लेकिन जेब में महसूस होती है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। 13 जनवरी की शाम कमाल खान NDTV के प्राइम टाइम में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बात कर रहे थे, अपनी जानी पहचानी मार्मिकता के साथ। ये सबसे बेहतरीन और सबसे मुश्किल मुद्दा है, क्योंकि ये जो मिसोजिनी है, जो पेट्रियार्की है, जो एक फ्यूडलिज्म का भी पार्ट है, ये किसी
राजनीति से नहीं है, समाज से आती है। 14 जनवरी की सुबह उनके ना रहने की खबर आई। हिंदी पत्रकारिता ने अपना सबसे नफीस पत्रकार खो दिया। वो शख्स जो तहजीब का मतलब समझता था और रिवायत का भी। खौलती हुई अयोध्या पर उनकी आवाज मानस का मरहम लगाती थी। गोस्वामी तुलसीदास ने रामराज का जिक्र करते हुए लिखा है कि सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम के राज्य में हर कोई एक दूसरे से प्रेम करता था, हर कोई अपने अपने धर्म का पालन करता था। वो राज यूं छोड़ जाते हैं मानो। अयोध्या पर कमाल ने अनगिनत रिपोर्ट्स की, हर बार उनके आगे संकीर्णताएं बौनी हो जाती थी। उनको बार बार देखते जाने की इच्छा होती थी। हमें याद है कि बचपन में हमारे घर के बाहर रामलीला होती थी और हमारा पूरा खानदान रोजाना बिना नागा उसको देखता था। राम की हम पूजा नहीं करते थे, लेकिन हमेशा से राम हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। और इकबाल ने तो लिखा है कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। कमाल खान दो दशक से ज्यादा समय तक NDTV के यूपी ब्यूरो के प्रमुख रहे। राम मंदिर, मुलायम कल्याण, मायावती, सारे मुद्दों और किरदारों को करीब से देखा, अक्सर सबसे सटीक टिप्पणियां की। खबरों की विश्वसनीयता और बारीकी को बनाए रखने में उनका कोई सानी नहीं था। मायावती ने एक मुहिम शुरू की है नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ने की। जाहिर है कि नजर दिल्ली की कुर्सी पे है, लेकिन कुछ बड़ा मकसद हासिल करने के लिए पुरानी दुश्मनियां तो छोड़नी ही होंगी। मायावती जल्दी में है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने जल्दी नहीं की तो दुश्मन को कोई और दोस्त बना लेगा। एक पुराना शेर है कि जीने पे जिनको पास बिठाना मुहाल था, मरने के बाद कांधे पे उनको उठा लिया। अपनी चुटीली टिप्पणियों में जब वो शेरो शायरी का रंग खोलते थे तो अलग समा बंधता था। मरने के बाद उनकी अर्थी को चार लोगों का कंधा नहीं मिल रहा है। लेकिन ये उनके लिए सजावटी काम नहीं होता था। वो इसकी मार्फत भी खबर का अलग कोण निकाल लाते थे। वो जब संस्कृति और इतिहास पर बात करते थे तो उनकी जुबान काव्यात्मक ऊंचाई पर होती थी। शिव की नगरी का मिजाज टीवी पर उनसे बेहतर किसने पकड़ा। ये बनारस है, ये बाबा विश्वनाथ की दारुल सल्तनत है, उनकी नगरी है, उनकी राजधानी है। ये एक शहर है, ये एक इतिहास है, ये एक सभ्यता है। वो लखनऊ के थे, वो शाने अवध थे, वो पत्रकारिता की मीनार थे और लगातार सतही होती इस दुनिया में वो गहराई की मिसाल थे। इस एक बरस में पत्रकारिता का शोर जितना बढ़ा है उतना ही उनके ना रहने से पैदा हुआ सन्नाटा भी। इस अंधेरे में उनकी आवाज सुनते रहिए, वो रास्ता दिखाती है। लखनऊ से कमाल खान, NDTV इंडिया के लिए।